सिपने नबी के पुस्तक दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का भटकता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। यहां पर भविष्यवक्ता क्या कहता है, तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है, तुम अपने आप को जांचना है। यहां पर देखिए दूसरा अध्याय का पहला वचन में वो कैसे शुरू करता, ये निर्लज्जित जाति के लोगों इकट्ठे हो। इस वचन का मतलब ये है, जो निर्लज्जित जाति के बारे में कहते हैं यानी निंदा अपमान अपमानित किए हुए जाति, तुम अपने आप को जांच करके देखो। कहने का मतलब क्यों इस प्रकार कहता है, कारण क्यों, अभी भी वक्त है, तुम मन फिरा सकते हो, अभी भी परमेश्वर के पास तुम्हें आने की जरूरत है। यहां पर क्या कहता है, आने वाला खतरा के बारे में ये परमेश्वर यहां पर लोक चेतावनी के रूप में कहता है। एक राजा यानी बाबुल का राजा तुम्हारे विरोध आने वाला है, इस देश को बर्बाद करके आप सबको नाश करने वाला राजा आने वाला है। इसलिए ये निर्लज्जित जातियां तुम्हें अपने पाप से छोड़ के मन पिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। भविष्यवक्ता उन लोगों के लिए चेतावनी देख के क्या कहता है, अभी भी तुम्हारे लिए कोई ढेर नहीं हुई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक वक्त है, अभी तुम परमेश्वर के पास आओ, मन फिराओ। शायद अपने आप को आप समझते हैं, मैं परमेश्वर से बहुत ही दूर में हूं, इसलिए परमेश्वर कहता है अपने आप को तुम मुझसे अलग नहीं कर सकते। तो कितने भी दूर हो अभी भी वक्त है, तुम मेरे पास चले आ सकते हो, अभी भी समय है मन पिराने के लिए, अपने दुष्ट कामों को छोड़ के, अपने सारे अधर्मों को छोड़ के, अपने सारे पापों को छोड़ के प्रभु के पास आ सकते हैं। अन्न से उनका द्वार खुला है, अभी भी उनका द्वार खुला है। परमेश्वर कहता है ना केवल द्वार खुला है और कहता है मैं द्वार पर खड़े होके खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुन के उनके दरवाजा अगर खोलेंगे तो मैं आके प्रवेश करूंगा और उनके लिए मन पिराव की आशीष को दूंगा। श्री मेरे प्यारों, परमेश्वर कहीं दूर में नहीं है, आप भी परमेश्वर से दूर नहीं है, अभी भी वक्त है परमेश्वर के पास आने के लिए। हालेलुया हालेलुया।